बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को होने वाली है, जो कि अभी ज्यादा दिन नहीं है। आज 23 सितंबर हो चुका है, आपके पास 1 वीक का टाइम है। आप जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, और जो भी आपकी क्लास में पढ़ाई हो चुकी है, हमारे योजना आईएएस में बीपीएससी स्पेशल की भी क्लास हो रही है, आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बीपीएससी के स्पेशल और बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मैपिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, हर टॉपिक से हम आपको मॉडल टेस्ट देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो हम आपको यहाँ एक सैम्पल के रूप में दिखाना चाहते हैं कि बीपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तो एग्जाम का अंतिम, मतलब अभी 1 वीक ही टाइम है आपके पास, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका बीपीएससी में अच्छा रैंक आ सकता है। ठीक है, पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद यहाँ आपको मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि योजना आईएएस अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहाँ कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है किसी भी एग्जाम का, प्रीलिम्स, मेंस से लेकर इंटरव्यू तक। ठीक है, क्लासेस केवल नहीं करवाई जाएगी, क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि आप टेस्ट देने के हैबिचुअल हो सके, आपको एग्जाम में घबराहट ना हो कि अचानक से हम पर टेस्ट आ गया, कैसे आंसर करें। ठीक है, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता होगा, केवल आप टॉपिक पढ़ते रहेंगे, उसको रिवीजन करते रहेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए कुछ मुश्किल एग्जाम के दौरान आपके लिए कुछ मुश्किल हो। तो इसलिए हम आपको यहाँ तैयारी के साथ साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ का ये स्ट्रेटजी है बीपीएससी को लेकर, कि नेक्स्ट 1 वीक में हम पूरा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम आपको सैंपल के रूप में दिखाना चाहते हैं कि पॉलिटी से रिलेटेड, जैसे हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूछे जाते हैं, या करेंट से रिलेट करके कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ईयर्स में, बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, किस ईयर को लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो ऑप्शन देखिए कैसा दिया जाता है, फैक्ट, पूरा फैक्ट दिया हुआ है, 1947, ठीक है, 1951, 1956 एंड 2000। तो देखिए, आप पढ़ लिए टॉपिक, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, फैक्ट याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को फैक्ट याद रखने में बहुत मुश्किल होता है। इसका एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन को देखकर आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि बीपीएससी में इस बार से निगेटिव मार्किंग भी हो गया है। जैसे पहले 2 साल पहले बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम तुक्का लगाकर भी आ जाते थे, उसमें से 2-4 सही भी हो जाता था तुक्का में, लेकिन यहाँ आपके
तुक्का लगाना सही नहीं होगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर 1/4 था, लेकिन इस ईयर से 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग हो गया है। तो अगर आप तुक्का लगाते तो हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। तुक्का आप वहां लगाइए जहां आप दो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, वहां आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जब तक आपको फैक्ट याद नहीं रहेगा तब तक आप इसका आंसर नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन सी में 1957 है। तो आप ये देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो कौन सा स्टेट, फर्स्ट स्टेट कौन सा था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। हो सकता है इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाना है, आपको संभावित क्वेश्चन भी कैसे आप आने अपकमिंग एग्जाम के लिए आप कैसे किसी क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस एग्जाम में आए, ठीक है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर उसके आधार पे आप लगा सकते हैं कि हो सकता है इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आप पॉलिटी में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, वो सारा टॉपिक आप अभी तो स्टार्टिंग से पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रेसिडेंट ऑप्शन क्या है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड ऑप्शन है इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड ऑप्शन है इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट। फोर्थ ऑप्शन है कैन वोट इन द पार्लियामेंट। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है। द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब आप बताइए पार्लियामेंट में का पार्ट कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में। ये तो हालांकि प्रीवियस पिछले साल पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको कुछ और भी पूछा जा सके, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, ऑप्शन है द लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन बी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड ऑप्शन डी है द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए अटॉर्नी जनरल, आपके पास सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे ही आपके पास आता है आपको सबसे पहले इनके बारे में क्या याद रखना, किसने कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। इसका ऑफकोर्स सही आंसर होगा ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, अटॉर्नी जनरल को किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 76, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकता है। देखिए मैं आपको गेस करके बता सकती हूँ, जैसे कि पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, उस टाइम ये पूछा गया था तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है। इस बार पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है,
और हो सकता है ये भी पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। तो आपको इनके बारे में हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखकर उसको सॉल्व करने के बाद हम कैसे गेस करेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से गेस कर सकते हो, उसी क्वेश्चन से किस तरीके के और भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस तरीके से गेस कर सकते हो। मैं आपको यहाँ एक आइडिया बता रही हूँ, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है। ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी है द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, इसका सही आंसर होगा द प्रेसिडेंट। अब आप यहां से ये भी, जैसे कि बिहार बीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था ना, तो हो सकता है इस बार आपसे ये पूछा जाए कि गवर्नर ऑफ बिहार हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार, अभी प्रेजेंट में बिहार के गवर्नर कौन है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा कि अभी वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ऑप्शन है जगजीवन राम, ऑप्शन बी है काका साहेब कालनकर, ऑप्शन सी है बीडी शर्मा एंड ऑप्शन डी है बीआर अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर, ठीक है। बीपीएससी फुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, बीपीएससी के एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पिछले एक दो साल से उसमें भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए, साथ ही साथ आप रिविजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आ गया तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम पहले तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, अब निगेटिव मार्किंग आ गया एग्ज़ाम में, तो डर लगता है एग्ज़ाम देने में। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा। ऑप्शन ए है आर्टिकल 330, ऑप्शन बी है आर्टिकल 331, ऑप्शन सी है आर्टिकल 332 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 333। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 330, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है द लॉ मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट। देखिए, हाँ, हमारे योजना आईएएस में हम यूपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस में स्टेट स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस, ये तो आपका कॉमन सिलेबस हो गया जो कि आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप स्टेट पीसीएस स्पेशल देने जाते हैं, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या एचपीएससी हो गया, तो आपको उस स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम अलग से क्लास भी करवाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला है, तो हमारे यहाँ योजना आईएएस में हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों मीडियम में हम तैयारी करवाते हैं और दोनों मीडियम में हम बिहार स्पेशल से अलग क्लास करवा रहे हैं। इसके साथ ही
ठीक है, इसके साथ ही हम इनको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, जैसे टेस्ट क्लासेस हो गई उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कोई भी क्लास में कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम टेस्ट भी पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं, क्लास में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इससे आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बेटर होता है, ऑफ कोर्स होता है, अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो तो एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अच्छा रिजल्ट आए, और हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो जरूर रिजल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए है द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन बी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी है द गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड ऑप्शन डी है द चीफ मिनिस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब देखिए ये क्या पूछा गया है, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के बारे में पूछा गया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन किन के द्वारा अपॉइंट होता है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, लेकिन द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। देखिए आर्टिकल से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप हो सके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं तो आप आर्टिकल को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। हालांकि फैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप कोशिश कीजिए उसको या तो क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस करके याद कीजिए या लिख कर याद कीजिए, लेकिन याद तो आपको करना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 280, ऑप्शन बी आर्टिकल 269, ऑप्शन सी आर्टिकल 268, एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 265। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 280। अब देखिए, Under which one of the following articles is the formation of Finance Commission laid down? तो कौन से आर्टिकल में, 280, ठीक है। Next question है, which one of the following Indian state has the largest number of members in its state legislature? ठीक है, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, एंड ऑप्शन डी है मेघालय। तो देखिए क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको याद रखना है हर स्टेट के कितने नंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। तो जब तक आपको यहाँ याद नहीं रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में कितने मेंबर होते हैं, हिमाचल प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेचर में कितने नंबर मेंबर होते हैं, मणिपुर में कितने होते हैं, मेघालय में, तब तक आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 मेंबर होते हैं, हिमाचल प्रदेश में 68, एंड मणिपुर में 60, मेघालय में भी 60। तो इस तरीके से आप हर स्टेट का मेंबर इन द स्टेट नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर हर स्टेट का आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, जितना हो सके, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए,
घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये भी आप याद रखिए कि निगेटिव मार्किंग इस बार 1/3 है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। कोई बात नहीं, आपको जितना आता है उतना सॉल्व कीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लगा सकते हैं जिसमें आप 50% आपको कंफ्यूजन हो रहा है वहां आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा गेस करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है आपका जितना सही हुआ उससे ज्यादा आपका माइनस में मार्क नंबर चला गया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हम आपके साथ हैं। योजना IAS की पूरी टीम आपके साथ है। यहाँ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी होती है, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं, रिवीजन भी करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।